चलो दिख भी रही है, दिख रही है, कैसे दिख रहा है? बड़ा भाई और फिर बहुत अजीब लगी। ठीक है चलता है। ओ बेटे तुम बड़ा भारी है, फोटो कैसे लूंगी थंबनेल के लिए यार? ऐसा करती हूँ पहले इसको सारा दिखा के लास्ट में जब खाली हो जाएगा फिर देखूंगी। बहुत सारा सवाल है बहुत। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो बिकॉज आई विल बी अनबॉक्सिंग व्हाट इज इन माय नायका पिंक फ्राइडे सेल बॉक्स। आई हैव अ ह्यूज ट्रंक फ्रॉम नायका जो ह्यूज के साथ साथ काफी हैवी है बिकॉज बहुत सारा सामान है इसके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे एज अ पीआर थिंग आया है, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, उन्होंने मुझे नहीं बोला वीडियो बनाने को, लेकिन इसका सामान इतना इंटरेस्टिंग था ना मुझे लगा एक वीडियो ही बना लेती हूँ आपके साथ, अनबॉक्सिंग भी कर लूंगी। प्लस उन्होंने जो भी चीजें भेजी है ना मैंने नोटिस करी है अभी सर्च करके, they are on really good deals. तो literally इस pink box में जो कुछ भी चीजें हैं they are on very very affordable deals. आप definitely grab कर सकते हो, मैं सबके links नीचे description box में डाल दूंगी। So without any further ado, let's get started. देखते हैं इसके अंदर क्या क्या खजाना आया है हमारे लिए। उससे पहले आपको पता है आपको subscribe button पे hit करना है, bell icon पे hit करना है, so that you are part of my family. And now let's go. तो नो पर्टिकुलर ऑर्डर मेरे हाथ में जो आएगा मैं आपको दिखा दूंगी। सबसे पहले है हमारे पास ये एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ एस्प्रेसो कॉफी बॉडी वॉश। थोड़ी सी इसकी हालत बुरी हो गई, काफी चीजें ना दब गई हैं बिकॉज सामान एक के ऊपर एक पाइलअप हो गया था जब डिलीवरी में आया था। सो दिस आउट लुक्स लाइक लाइक अ प्रॉपर कॉफी का मग है, मैंने किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी थी। ये प्रॉपर यहाँ से ऐसे खुलता है एंड देन यू कैन जस्ट पोर द बॉडी वॉश एंड देन यू कैन फॉर्म इट वेयर योर लूफा और डायरेक्टली अगर आपको यूज करना हो। फ्रेग्रेंस की बात की जाए आई कैन स्निफ इट, बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे इनका एम कैफीन का कॉफी बॉडी स्क्रब बहुत पसंद है और वो अभी भी नायका की कॉम्बो डील पे बहुत अमेजिंग मिल रहा है। आपको स्क्रब के साथ मॉइस्चराइजर की बहुत अच्छी डील मिलेगी कॉम्बो वाली, मैं उसका लिंक भी नीचे डाल दूंगी। मुझे अभी जो जो डील्स याद आती रहेंगी ना मैं इसके साथ साथ वो भी डालती रहूंगी नीचे। दिसंबर में थैंक यू 2021 गिव अवे सीरीज आने वाली है इंस्टाग्राम पर बेसिकली, सो आई शेयर लॉट ऑफ थिंग्स विद यू गाइज एज वेल बिकॉज मैं हर चीज को देखो जस्टिफाई नहीं कर सकती। इफ आई हैव 10 बॉडी वॉशेस विद मी मैं नहीं, मेरा मन करता उसको अननेसेसरी खोल के रखने का, फिर वो रखा रह जाएगा एक्सपायर हो जाएगा। सो आई फील लाइक जस्ट शेयरिंग विद यू गाइज, तो मैं ऐसे गिवअवेज होस्ट करती रहती हूँ ऑन माय इंस्टाग्राम, सो डेफिनेटली फॉलो मी देयर। न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट कैप्सूल इन सीरम, दिस आर व्हाट लुक्स लाइक। सो इनका हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर मुझे काफी पसंद है, कल मैंने इंस्टाग्राम पे क्यों मैंने रिकमेंडेशन किए बाय द वे, उसमें मैंने यही एक रिकमेंड किया था जिसने पूछा था कि मेरी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है कुछ मॉइस्चराइजर रिकमेंड करो। सो इनका टब वाला मॉइस्चराइजर मैंने यूज किया, मैंने ये वाला कभी यूज नहीं किया बाय द वे। इट हैज सम बीड्स thing going on inside here, so let me just swatch it. ये कैसा दिखता है? So ये capsule in serum है, highly effective daily serum. Okay, so ये उसी moisturizer की जो range है उसका एक serum इन्होंने बनाया है. So I think ये भी hyaluronic acid enriched होगा, which is just perfect for this weather because अभी क्या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, skin अजीब सी सूखी सूखी हो जाती है, तो हमें एक boost of hyaluronic acid चाहिए होता है अपनी skin के लिए। इसको अगर आप हल्की सी damp skin पर लगाओगे ना तो ये ज़्यादा better work करेगा। वो हल्की सी खुशबू है जो moisturizer में आती है। So अगर आपकी skin हल्की सी fragrance tolerate कर सकती है ना, ये range मुझे definitely पसंद है और अगर इस पे डील होगी तो डेफिनेटली आप ग्रैब कर सकते हो। सो दिस इज द आइटम आई वाज वेरी 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 एक्साइटेड अबाउट बिकॉज ये सबसे ऊपर ही रखा हुआ था एंड इट इज अ मेकअप रिवॉल्यूशन आई शैडो पैलेट। और जब मैंने देखा वाज लाइक आई हैव टू ओपन इट, तो इसको मैंने आते ही ओपन कर लिया था। सो मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाली हूँ। ये बाहर से एकदम लग रहा है ना एकदम सैसी सेक्सी, जैसे कबीर सिंह वाली एकदम टफ एंड वैसी इसकी वाइब आ रही है। दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड। सो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसके अंदर शेड होंगे ब्लैक ब्राउन न्यूट्रल से, कुछ स्मोकी आईज वाले इसके अंदर शेड होंगे, बट नो आई वॉज रॉन्ग। अंदर से भी इसकी पैकेजिंग बिल्कुल ऐसी है जेब्रा वाली, एंड जब इसको अंदर से खोलोगे ना आप लिटरली ऐसा है कि पूरी पर्सनालिटी जो बाहर वाली है ना वो एकदम रंग बिरंगी रेनबो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है बिकॉज अंदर से ये पैलेट काफी डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फुल साइज मिरर यहाँ पे मिलता है विच इज अमेजिंग, आई लव फुल साइज मिरर इन आई शेडो पैलेट। सो दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स लाइक कैन यू इमेजिन कि ये ऐसी इसकी पैकेजिंग है और इसके ऐसे शेड्स है, लाइक सो ब्यूटिफुल, यू आर लिटरली गेटिंग अ होल रेनबो राइट ओवर हेयर। ये इंडियन वेडिंग के लिए आई थिंक एक परफेक्ट पैलेट है। अगर आप करंटली कोई भी इंडियन वेडिंग के लिए पैलेट देख रहे हो ना, यू कैन डेफिनेटली चेक इट। मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट काफी अच्छे होते हैं। आई कैन सी अ मैट ब्लैक शेड, ब्लू कलर है, येलो का एक टोन है, इसमें ऑरेंज है, लैवेंडर, देन एक शिमरी, आपको दो तीन शेड शिमरी वाले मिल रहे हैं, ऑरेंज टोन। लिटरली आप इस एक सिंगल पैलेट से इतनी लुक्स क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली इस पे जो डील चल रही है ना, मेकअप रेवोल्यूशन, वाइल्ड एनिमल इंटेग्रिटी एंड फियर्स आई शेडो पैलेट, इस दो पैलेट
का आपको कॉम्बो मिल रहा है 50% ऑफ पे. सो 1750 में आपको दो पैलेट मिलेंगे, एक तो ये वाला कलरफुल वाला और एक और पैलेट है जो थोड़ा सा ब्राउन टोन सॉर्ट ऑफ एक पैलेट है. यू कैन सी ये कलरफुल वाला है और ये थोड़ा सा ब्राउन टोन सॉर्ट ऑफ पैलेट है. सो इन दोनों का कॉम्बो मिलेगा आपको 1750 रुपीज में, विच इज नॉट बैड. सो ऐसी जब डील आती है ना, मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ, आप हमेशा क्लब करके शॉप किया करो. अगर आपकी फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, फैमिली में अगर आपके भाभी एंड ऑल है, तो हमेशा क्लब करके शॉप किया करो. बिकॉज जैसे सेट ऑफ टू आपको सस्ता पड़ रहा है, तो एक आई शेडो पैलेट आप रख सकते हो, आपकी फ्रेंड रख सकती है, इससे आपके और ज्यादा पैसे बच जाएंगे. थिंग फ्रॉम कामा आयुर्वेदा, यह कुमकुमादी क्लैरिफाइंग एंड ब्राइटनिंग क्लेंजिंग ऑयल इनरिच विद कुमकुमादी ऑयल, डीप क्लेंजिंग हाइड्रेटिंग फेस ऑयल, ब्राइटन स्किन एंड रिमूव्स मेकअप. ओके, सो ये मेकअप रिमूविंग के लिए ऑयल है बेसिकली. आई लव ऑयल क्लेंजिंग. मैं जिस दिन भी एक्सट्रीमली हैवी मेकअप करती हूँ, लाइक फुल कवरेज एकदम शादी वाला जो मेकअप होता है, वो मैं माइसेलफ वाटर से रिमूव नहीं करती, बिकॉज वो नहीं हटता. वाटर प्रूफ मस्कारा होता है, लाइनर इतना सारा होता है, देन ब्लश ये सब होता है, तो मैं ऑयल क्लेंजिंग प्रेफर करती हूँ. सो आजकल तो मैं नॉर्मल ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, बट आई वुड डेफिनेटली ट्राई दिस. सो ये अंदर से दिखता है कुछ ऐसे, एकदम सिमिलर इसकी वो रोज वाटर जैसे पैकेजिंग सॉर्ट ऑफ होती है ना, वही पंप वाली प्लास्टिक बॉटल है बाय द वे. स्वॉच अ लिटिल, आ जा बेटा. इट हैज अ वेरी प्लीजिंग खुशबू यार, बहुत अच्छी है. एंड इट इज वेरी लाइट, बिल्कुल भी थिक ऑयल नहीं है. सो आपको इसको बेसिकली कैसे यूज करना होता है, आपको चार पांच पंप आप लो एंड देन जस्ट मसाज इट ऑन योर स्किन. और फिर मैं क्या करती हूँ, जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है ना, मैंने उनके पैड्स लिए हुए हैं जो रीयूजेबल होते हैं, वॉशेबल होते हैं, उसको मैं पानी में डिप करके फिर पूरे मेकअप को रिमूव करती हूँ. सो इस स्टेप से ज्यादा अच्छा मेरा मेकअप रिमूव होता है बेसिकली. उसके बाद मैं फेस वॉश कर लेती हूँ. सो ये जो डबल क्लेंजिंग मेथड है ना, ये बहुत अच्छा रहता है. अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, डेफिनेटली ट्राई दिस मेथड. नेक्स्ट अप वी हैव पावर गमीज, विटामिंस फॉर गॉर्जियस हेयर एंड नेल विटामिंस विद बायोटिन. सो ये बेसिकली सप्लीमेंट्स हैं जो बायोटिन वाले होते हैं बेस्ड. सो ये हेयर एंड नेल्स के लिए होते हैं, जिनको भी हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है या हेयर फॉल बहुत हो रहा होता है, डॉक्टर भी उनको बायोटिन बेस्ड ही सप्लीमेंट्स देते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव अ काजल फ्रॉम के ब्यूटी. है के ब्यूटी का 24 आवर लास्टिंग ट्रांसफर प्रूफ स्मच प्रूफ कोल्ड स्टार काजल, जो काफी दब गया है बिकॉज ये नीचे बेचारा दब गया था सारे सामानों में. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. के ब्यूटी के काजल्स के बारे में मैंने काफी सुना है, इनके बहुत अच्छे रिव्यूज मैंने सुने हैं. सो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स लाइक अ रिट्रैक्टेबल पेंसिल. एंड लेट मी जस्ट स्वॉच फॉर यू. मैंने ऑयल क्लेंजर लगा दिया यहाँ पे, जो मैं बाद में वाइप करूंगी, बट लेट मी जस्ट शो यू. ooh, it's intense, it's intense. मैंने बहुत कम प्रेशर लगाया, ट्रस्ट मी, और बहुत अच्छा पे ऑफ आया है. सो अभी इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं, उसके बाद हम हल्का सा इसका स्मज वाला टेस्ट करके देखेंगे. ऑल दो मैं ऐसे काजल से ना बिल्कुल स्मज प्रूफ लुक नहीं एक्सपेक्ट करती, वो आप लाइनर लो वाटर प्रूफ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. ऐसे काजल लोअर वाटर लाइन के लिए, थोड़ा सा स्मज लुक के लिए एकदम परफेक्ट रहते हैं. टिल नाउ द इंटेंसिटी इज अमेजिंग. सो अगर इस पर डील होगी, डेफिनेटली चेक इट आउट. इन नायका का वॉन्डरलस जापानीज चेरी एंड ब्लॉसम शा जेल. सो ये इनका जापानीज चेरी ब्लॉसम रेंज में से है. मैंने इनकी मेडिटेरियन सी सॉल्ट रेंज ट्राई करी है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. देयर बॉडी वॉश, देयर बॉडी मिस्ट, रियली नाइस. एकदम माइल्ड खुशबू होती है, ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं होती. कुछ कुछ बॉडी वॉशेज एंड फ्रेग्रेंस रेंज जो होती है ना, कुछ कुछ ब्रांड्स की, वो इतनी ज्यादा लाउड होती है ना कि सर में चढ़ जाती है. मुझे इनकी रेंज के सारे जो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छी लगी. हाँ, इसमें भी बहुत अच्छी माइल्ड, एकदम प्यारी प्यारी, जैसे मीठी मीठी लेकिन बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू होती है ना, जैसे इसका कलर है ना फ्लोरल, इसकी वैसी वाली खुशबू आ रही है. एंड बॉम्बे शेविंग कंपनी, ये शेयर बटर का हेयर रिमूवल क्रीम रिच इन एलोवेरा विटामिन ई. और अब मैं हेयर रिमूविंग क्रीम नहीं यूज करती, मैं बहुत पहले स्कूल टाइम पे यूज करती थी, बिकॉज तब ना मतलब स्टार्टिंग में शुरू किया था हेयर रिमूव करना, बिकॉज स्कर्ट्स होती थी स्कूल में, ऐसे बाल भरे होते थे लेग्स के ऊपर, काफी बार अच्छा ही लगता था. और मेरे ब्रदर की जब शादी हुई थी ना, मैंने फर्स्ट टाइम हेयर रिमूविंग क्रीम ही यूज करी थी, बिकॉज मुझे शर्म आ रही थी पार्लर जाके वैक्स कराने में. और रेजर तब डर लगता था, उस टाइम वो एरा नहीं था कि रेजर यूज करते लोग बॉडी पे. सो तब मैं यूज करती थी. अब मैं शेविंग क्रीम्स ना इतनी यूज नहीं करती हूँ कि स्किन ब्लैक हो जाती है, डार्क हो जाती है, बट ये इमरजेंसी पर्पज के लिए होना चाहिए. दे आर डेज जब हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं ट्रिप पे जाना होता है, यू कांट यूज रेजर या वैक्सिंग नहीं कर सकते, तो झटपट के लिए एकदम परफेक्ट रहता है. वी हैव समथिंग फ्रॉम बायोटिक, या बायोटिक एडवांस का विटामिन सी डार्क स्पॉट सॉल्यूशन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ओके, इट्स फॉर डार्क स्पॉट, इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप, फार्म फ्रेश, 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट. आई बी वेरी ऑनेस्ट, बायोटिक अभी तक मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाया. इनके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ना फेल ही हुए हैं, मुझे इतने कुछ वाव नहीं लगते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अपनी इंग्रेडिएंट्स नहीं रिवील करते हैं, कि हर जगह जहाँ पे भी इंग्रेडिएंट होगा ना, खाली की इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे. जैसे इसके अंदर लिखा है कॉफी एंड विटामिन सी, और साइड में इंग्रेडिएंट्स में या कुछ भी निकल, लाइक दे डोंट मेंशन एनी इंग्रेडिएंट्स. ग्लास बॉटल सीरम जैसी इसकी एकदम ग्लास की बॉटल है, और थोड़ी सी फॉगी क्लाउडी जैसा इसका वो है. यार सर, मैंने ऑयल क्लेंजर लगा दिया, मैं थोड़ा सा इधर लगा के देखती हूँ. निकलो बेटा,
ओह इट्स लाइक अ क्रीम थिंग. सो ये क्रीम जैसा कुछ है. कैमरा फोकस एंड काफी थिन है ये, एकदम पानी पानी जैसा सीरम है यार. बहुत स्ट्रांग खुशबू है यार. ओह गॉड एकदम खट्टी स्मेल है इसके अंदर, वो जो सिट्रस वाली होती है ना. आई एम रियली नॉट श्योर कि ये सेंसेस स्किन पे वर्क करेगा नहीं करेगा. मैं इसको अच्छा खासा टाइम दे दिया के ब्यूटी के काजल को, एक बार इसका स्मच टेस्ट करके देखते हैं. सो लेट मी जस्ट डू अ स्मच टेस्ट एंड ओ माई गॉड इट स्टेड यार. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट इट इज नॉट स्मजिंग एट ऑल. मतलब कैन यू सी ये अपनी जगह से बज नहीं हो रहा है. मैं जितना प्रेशर दे रही हूँ ऑब्वियसली वो इंटेंसिटी कम हो जाती है उस एरिया से, लेकिन ये बिल्कुल भी इधर उधर स्प्रेड नहीं हुआ, विच इज अ गुड थिंग. L'Oreal Paris का रिवाइटलिफ 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम, लव दिस स्टफ. मैं आजकल यही यूज कर रही हूँ. आई थिंक ये उनकी छोटी वाली बॉटल है विच इज चीपर, दिस फॉर 499. आई हैव द बिगर बॉटल एंड आई एम लविंग इट बिकॉज अभी विंटर्स में ना स्किन अजीब सी ड्राई स्ट्रेची हो जाती है, फिर उसके ऊपर मेकअप करो बड़ा सूखा सूखा फील होता है. सो वॉट आई डू जिस दिन मैं हैवी मेकअप करती हूँ, पार्टी मेकअप करती हूँ, या वैसे भी रात को जिस दिन मेरा मन नहीं होता कोई एक्टिव इंग्रीडियंट लगाने का, मैं वाटर थोड़ा सा स्प्रे किया फेस के ऊपर या रोज वाटर. हाइलुरोनिक एसिड को हमेशा डैम स्किन पर लगाना, एकदम सूखी स्किन पर नहीं लगाना. थोड़े से इसके ड्रॉप्स देती हूँ फेस पर, अच्छे से मसाज कर लेती हूँ. रियली नाइस हाइलुरोनिक एसिड सीरम. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि L'Oreal जैसी ब्रांड बहुत अच्छा सीरम बना देगी. तो टू टाइप्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड है, इसके अंदर माइक्रो है जो डीपर जाती है स्किन के अंदर, एक मैक्रो है जो बिगर होती है जो स्किन को हाइड्रेट करती है, स्मूथ आउट करती है सर्फेस को. अमेजिंग सीरम, अगर इस पर डील होगी नायका पर डेफिनेटली चेक इट आउट. नेक्स्ट वी हैव फेस वॉश फ्रॉम सिंपल. यस सिंपल का रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश 100% सोप फ्री, लव दिस स्टफ. ये मैंने पहले यूज किया हुआ है, मैंने अपने शायद बेस्ट फेस वॉश फॉर एक्ने स्किन मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, यही फीचर किया था. एकदम जेंटल परफेक्ट फेस वॉश है. द बेस्ट पार्ट इज द प्राइस पॉइंट, काफी अफोर्डेबल है. आई थिंक अफोर्डेबल के अंदर इतनी अच्छी क्वांटिटी जो देता है ना वो यही फेस वॉश है. 375 इसका एमआरपी, लेकिन सेल पर ये काफी सस्ते में आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट वी हैव आई शैडो पैलेट फ्रॉम लैक्मे, एब्सोल्यूट लव दिस स्टफ. कल जब मैंने Q&A में रिकमेंडेशन किया ना इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, तो मैंने यही आई शैडो पैलेट रिकमेंड किया था, नॉट दिस पर्टिकुलर वन. मेरे पास इनका पिंक पैराडाइज वाला है जो थोड़ा सा पिंक टोन में पैलेट है. ये 40% ऑफ पे मिल रहा है नायका पे, सारे इनके वेरियंट 40% ऑफ पे है. वर्थ एवरी पेनी. लैक्मे नेल्ड इट विद द आई शैडो दिस टाइम. बहुत अच्छी इनकी पिगमेंटेशन है, कलर वैरायटी आपको अच्छी मिल रही है. यहाँ पर आपको ऊपर की लाइन में एक छोटा सा मिरर दिखेगा जिससे आप थोड़ा बहुत वर्क अराउंड कर सकते हो. सो दिस हाउ दिस पर्टिकुलर पैलेट लुक्स लाइक. इस पैलेट का नाम है मिडनाइट मैजिक एंड एज द नेम सेज इसके अंदर एकदम मिडनाइट मैजिक वाले शेड है. आई कैन सी पिंक, पर्पल एक शेड है, स्काई ब्लू सॉर्ट ऑफ शेड है, ब्राउन टोन शेड्स भी हैं. सो डेफिनेटली आई थिंक आप इससे बिल्कुल स्मोकी आईज भी क्रिएट कर सकते हो, कोई भी तरह की पिंक टोन लुक क्रिएट कर सकते हो. वेरी वेरी वर्सेटाइल, अगेन वेरी नाइस पैलेट फॉर इंडियन वेडिंग सॉर्ट ऑफ लुक्स, बिकॉज ऐसे जो शिमरी मैट कलर्स होते हैं ना ये हमें इंडियन वेडिंग लुक्स में चाहिए होते हैं. सो रियली नाइस, 40% ऑफ इट, डेफिनेटली ग्रैब इट. नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग फ्रॉम एल्फ, और ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है, आई लव इट. ये एल्फ की बाइट साइज आई शेडो, और ये सेम शेड में बस एक और आ गई, वेरी बैड. मेरे पास यही शेड है, आई थिंक आई हैव शोन यू मल्टीपल टाइम्स इन माई YouTube videos and Instagram stories as well. Love this stuff. क्या होता है ना काफी बार इतने बड़े बड़े आई शेडो पैलेट रख लो ना कंफ्यूजन हो जाती है क्या लगाए बंदा क्या ना लगाए. वेर एज दिस इज लाइक सॉर्टेड, 4 शेड्स हैं इसके अंदर, सुपर पिगमेंटेड ब्राउन, और इस इन दोनों शेड से आप क्रीज कर सकते हो. बीच के 2 शिमरी शेड हैं तो आप इनको लिड्स पर लगा सकते हो. मैंने काफी बार जो मैं पिंक टोन के कपड़े पहनती हूँ या वेडिंग में सूट्स एंड ऑल पहनती हूँ, मैंने इसी से अपनी लुक क्रिएट करी है. लिटरली छोटे से है, वर्थ इट. आप इसके साथ ट्रैवल कर सकते हो बिकॉज छोटा सा है तो आपके ट्रैवल किट में परफेक्ट आएगा. इसका एमआरपी है 350 रुपीज, लेकिन एल्फ पर भी बहुत अच्छी डील चल रही है अभी नायका की सेल पे, सो डेफिनेटली चेक इट आउट. मेबलिन सुपर स्टे मैट इंक इन द शेड 175 रिंग लीडर. ओके आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा टंग टायर्ड हो चुकी हूँ मैं. बाय द वे जो सुपर स्टे मैटिंग लिपस्टिक है ना ये नहीं हटती. कुछ ऐसी लिपस्टिक देख रहे हो कि आपको किसी फंक्शन में जाना है लंबे टाइम के लिए, आपको मास्क लगाना है, मास्क उतारना है हटाना है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा चलने वाला है. एंड दिस इज हाउ रिंग लीडर लुक्स लाइक. ओह माय गॉड सच अ प्रिटी शेड यार, एकदम परफेक्ट पिंक पीची शेड है. मुझे ऐसे शेड काफी पसंद है बिकॉज ना ये एकदम लाउड होते हैं ना बिल्कुल कम लगते हैं. वेरी वेरी नाइस, ऐसे आउटफिट के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा. सो आई डेफिनेटली वेयर इट इन फ्यूचर. रहने की Fab 5 5-in-1 लिपस्टिक न्यूड. ओके सो ये काफी फेमस चल रही है आजकल, जैसे स्टिक वाली लिपस्टिक्स आती है ना, बेसिकली एक के पीछे एक आप स्टैक करते हो. इसको तो मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ. क्रीमी फिनिश, सॉफ्ट एंड स्मूथ एप्लीकेशन, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन, मॉइस्चराइजिंग, इनरिच्ड विद होवा ऑयल. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कम्प्लीटली मैट नहीं होगी बिकॉज ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग वाली इसकी एप्लीकेशन है. कलर्स दिख जाएंगे, सो यू कैन सी लाइट, हल्का सा ऑल लाइट, देन थोड़ा सा रेड टोन, पिंक टोन, एक थोड़ा सा पर्पल टोन में आपको शेड मिल रहा है. सो लेट मी जस्ट स्वॉच वन शेड. मैं इसकी
रील्स बनाऊंगी डेफिनेटली, तो मैं भी आपको सारे शेड नहीं दिखा रही. सो ये टॉप वाला शेड है, इट फील्स लाइक शिमरी, मतलब क्रीमी है, तो इसके अंदर हल्का सा ना एक क्रीमी क्रीमी वाला इफेक्ट थोड़ा सा फील होता है. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक टिल नाउ, वेरी पिगमेंटेड. एक स्ट्रोक में बहुत अच्छा पिगमेंट आया है, बट डेफिनेटली इट्स मॉइस्चराइजिंग, लाइक इट्स नॉट समथिंग विच इज मैट. आई थिंक यू कैन यूज इट एज अ ब्लश, या ये बहुत अच्छा ब्लश की तरह काम करेगा, बिकॉज इसका एक बहुत अच्छा ना वो शिमरी एक सॉर्ट ऑफ इफेक्ट आ रहा है. सो सही यार, आप इसको रखो एज अ लिपस्टिक, लेकिन आप इसको लिप्स पर लगा लो. मैं काफ़ी बार ऐसे मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक को ना अपनी आईलेट्स पर लगा के तो उसके ऊपर कॉम्पैक्ट से सेट कर देती हूँ, आई शेडो बन जाती है, चीक्स पर लगा लिया तो ब्लश बन जाता है. वेरी नाइस मल्टीपल यूज प्रोडक्ट. सो वी हैव अ बॉडी मिस्ट फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स जो थोड़ा सा लीक हो गया इसके अंदर बिकॉज की ऊपर की लिड निकल गई थी. यह जापनीज चेरी ब्लॉसम Fine fragrance mist. This is how the bottle looks like. And I think bottle से पता लग रहा है कि इसकी खुशबू मीठी होने वाली है. I'm not a fan of मीठी खुशबू, so let's just see. Yeah, sort of. It's not extremely मीठा, which I like it. बिल्कुल वो sweet वाली खुशबू नहीं है. इट्स सॉर्ट ऑफ हल्की सी एक फ्लोरल खुशबू है और थोड़ा सा एक सिट्रसी उसका एक नोट आ रहा है. आई थिंक इसका जो बॉटम नोट होगा ना फ्रेग्रेंस का वो सिट्रसी होगा बिकॉज वो आ रहा है. या इट हैज फ्रेश मिमोसा पेटल, तो मिमोसा की हल्की सी सिट्रसी फ्रेग्रेंस आ रही है. चेरी ब्लॉसम है, एशियन पेयर है इसके अंदर, मोस्ट आइकॉनिक फेमिनिन फ्रेग्रेंस है बेसिकली ये. बाथ एंड बॉडी वर्क्स के नायको पर बहुत अच्छी डील चलती है, कभी कभी बाय वन गेट वन, बाय टू गेट टू चलता है, फ्लैट 50% ऑफ चलता है, कॉम्बो डील चलती है. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट, इनकी कैंडल्स पर भी काफी अच्छे ऑफर होते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ लिपस्टिक फ्रॉम नायका एंड आई ऑलरेडी ओन दिस लिपस्टिक, ये नायका की वेक अप मेकअप. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूंगी, मैंने इनके सारे शेड जो इन रेंज में आए थे मैंने उनको सर्च किया है, लिप्स सर्च किया, हैंड सर्च किया. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. वेक अप मेकअप इज वन ऑफ माई फेवरेट शेड फ्रॉम दिस होल रेंज. नेक्स्ट वी हैव कलरबागी किस प्रूफ लिप स्टेन इन द शेड हॉलीवुड. सो दिस इज हाउ द लिपस्टिक लुक्स लाइक. मैंने इनका एक शेड ट्राई किया हुआ है, हॉट लाटे, अमेजिंग शेड. वो मेरा एक्सपायर हो गया था तो मैंने फेंक दिया. मैंने वो बहुत यूज़ किया अपने कॉलेज टाइम में, इतना प्यारा न्यूड ब्राउन वो शेड था ना, आई लव्ड इट. ये वही रेंज का ही एक शेड है रेड टोन में. हॉलीवुड लुक्स लाइक, ओ माय गॉड, इट्स परफेक्ट क्रिसमस वाले, एकदम क्रिसमस एंड विंटर वाइब वाला शेड दे रहा है. ये जो किस प्रूफ रेंज है ना ये काफ़ी अच्छी है, एकदम कंफर्टेबल है, आपके लिप्स को चैप नहीं करती, मतलब एकदम सुखाती नहीं है, एट द सेम टाइम लिप्स को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मैट लुक देती है, नरिश रखती है. सो आई रियली लाइक इट. मिनिमलिस्ट का नायसिनमाइड 10% जिंक सीरम, 10% नायसिनमाइड प्लस जिंक सीरम, ये मैंने यूज किया हुआ है, आई रियली लाइक इट. अगर आपको एलोवेरा सूट करता ना तो आप ये वाला सीरम यूज कर सकते हो बिकॉज ये एलोवेरा बेस वाले फेस सीरम्स होते हैं. नायसिनमाइड की क्वांटिटी इसमें 10% है. अगर आपकी अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगी. 10% नायसिनमाइड भी काफी बार स्किन पे रेडनेस दे देता है. सो आप इनका 5% यूज करना, इसका एक सीरम आता है 5% नायसिनमाइड एंड 1 या 2% हाइलुरोनिक एसिड, वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, वो एकदम परफेक्ट है. 5% नायसिनमाइड इज जस्ट द राइट क्वांटिटी, वो बिल्कुल भी आपकी स्किन को पर्ज नहीं करेगा, रेडनेस नहीं देगा, कोई रिएक्शन होने का चांस नहीं होगा. और अगर आपकी स्किन एकदम टॉलरेट कर पाती है नायसिनमाइड को, सूट करता है, देन यू कैन मूव ऑन टू द 10%. नेक्स्ट इज दिस लैक्मे पीच मिल सॉफ्ट क्रीम 24 आवर मॉइस्चर लॉक क्रीम, जो कुछ दिखती है इस तरह से. मैंने इसका आई थिंक छोटा वर्जन ट्राई किया हुआ है पहले, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, कोई भी एक्ने नॉल के इशू नहीं है ना, तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हो. कंप्लीटली लाइक कंजेस्टेड वाली एक्ने स्किन के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगी, इट माइट जस्ट क्लॉग योर पोर्स, तो आपको पहले ही वॉर्न कर रही हूँ. नेक्स्ट अगर आप समथिंग फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल, ये डेलिकेट फेशियल क्लेंजर कश्मीरी साफ्रन नीम. आई हैव ट्राइड दिस क्लेंजर, आई लव इट. ये मैंने बहुत पहले ट्राई किया था, आई थिंक इसी साइज का मैंने ट्राई किया था, नायका से या कहीं ट्रायल में समथिंग मिला था, आई लव इट. अगर आपकी स्किन अल्ट्रा सेंसिटिव है ना, आप कुछ एक क्लेंजर ढूंढ रहे हो जो जेंटली आपकी स्किन को क्लेंज कर दे, एट द सेम टाइम ड्राई भी ना करे, डेफिनेटली ट्राई इट. आई थिंक 2019 की विंटर्स में मैंने इसको खोला था, वो इतनी सी बॉटल भी ना पूरी विंटर्स में ही चली थी, बिकॉज आपको थोड़ा सा चाहिए होता है मॉर्निंग में फेस वॉश करने के लिए. सो डेफिनेटली ट्राई इट. कुछ इस तरह से इसकी बॉटल दिखती है. इसका MRP है 350 rupees, बट ट्रस्ट मी, मैंने आपको बोला ना थोड़ी सी क्वांटिटी लंबी चलेगी. सो डेफिनेटली ट्राई इट. ये एकदम डेलिकेट फेशियल क्लेंजर है एज द नेम स्पीक्स. नेक्स्ट अप वी हैव डॉटन कीका वाइटामिन सी एंड ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर. काफी छोटा मॉइस्चराइजर है, मुझे लगा लिप बाम होगा डॉटन की का, बट ये मॉइस्चराइजर है. आई थिंक ये उनका छोटा सैंपल साइज होगा. खुल जाओ. आई लव द पैकेजिंग, एकदम क्यूट पैकेजिंग है. मैंने सुना डॉटन की किसी कॉपी करता है कोई बाहर की ब्रांड की. मैंने अब तक तो कुछ भी एक्टिवली डॉटन की का नहीं यूज़ किया, तो मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकती ये ब्रांड कैसे वर्क करती है. प्लीज़ मुझे नीचे आप डेफिनेटली रिव्यू देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने ये या फिर कुछ भी डॉटन की से जो यूज़ किया आपके ऊपर सूट किया नहीं किया, बिकॉज आई हर्ड इनके प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ी सी फ्रेग्रेंस होती है जो काफ़ी लोगों को रिएक्ट कर जाती है. सो अगर आपने इनमें से कुछ भी यूज़ किया हुआ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे डालो. मुझे नीचे कॉमेंट्स में आज रिव्यूज़ चाहिए हर एक
एक इंसान की, आई रियली वांट टू नो योर ओपिनियन, बिकॉज एज अ से मैं एक ही हूँ यार, मैं सब कुछ नहीं ट्राई करके बता सकती. सो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज़ अगर आपने कुछ भी ट्राई किया है, अपना ओपिनियन, अपना रिव्यू नीचे कमेंट्स में डालो, ताकि जो भी कमेंट्स पड़े उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले. लव एलिमेंट्स का रिन्यूइंग शैम्पू, जेंटल शैम्पू फॉर ऑल हेयर टाइप्स, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. मैंने वेला के शैम्पूज के बारे में काफ़ी सुना है, बिकॉज सैलून में मैंने देखा है जो भी लोग स्मूदनिंग या हेयर कलर कराते हैं वो वेला के ही शैम्पू यूज़ करते हैं. सो डेफिनेटली आई ट्राई एंड लेट यू नो, बिकॉज ये कहता है फॉर्मुलेटेड विदाउट सल्फेट्स सिलिकॉन, ये कहीं ना कहीं ऑल हेयर टाइप के लिए, और ये जेंटल भी है, तो आई थिंक ये विंटर्स में चल जाएगा, बिकॉज अभी सर्दियों में ना बहुत ज्यादा एकदम फोमी या हार्श शैम्पू यूज कर लो ना, बाल अजीब से ड्राई हो जाते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव स्कॉश ऑफ का बीसी, दिस इज पेप्टाइड रिपेयर रेस्क्यू सील्ड एंड्स फॉर डैमेज एंड्स. क्या है लेकिन ये कुछ लिखा ही नहीं इस पे, डैमेज एंड्स क्या, कंडीशनर है, मास्क है, क्या है ये, prevent them from occurring, works primarily into end leave-in salon exclusive. Okay, so ये leave-in cream है basically, this is how it looks like. So इस पर लिखा भी है damaged ends, so जिनको भी बहुत ज़्यादा ना split ends का issue है वो definitely try कर सकते हैं. ये basically जो भी आपके स्प्लिट एंड्स होते हैं, डैमेज्ड एंड्स होते हैं, उसको कहीं ना कहीं नरिश करने में हेल्प करता है, बिकॉज ये एक तरह की लीव इन क्रीम है. आइसरामाइड का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड फेस शॉप. ये मुझे काफी टाइम से ट्राई करनी थी, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की ना स्टोरी देखी है, वो यही रेंज आई थिंक यूज करते हैं. आई सी अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स डूइंग पेड कोलैबोरेशन एज वेल, लेकिन काफी लोग नॉन स्पॉन्सर्ड में भी रिकमेंड करते हैं, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट. ये राइस सेरामाइड का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, हाइड्रेटिंग फॉर स्किन. विंटर्स में तो कितनी भी क्रीमों कम ही पड़ती हैं. एंड लास्ट आइटम है स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो, जो आई थिंक मेरे पास है ये शेड, लेट मी जस्ट सी कौन सा शेड है ये, इस पर लिखा ही नहीं शेड. दिस इज रोज गोल्ड रेट्रो, या आई हैव दिस शेड, ये मेरे पास यहीं स्टूडियो रूम में रखा है, तो मैं इसका स्वॉच इंसर्ट कर दूंगी. मैं नहीं खोल रही बिकॉज ये ऑलरेडी मेरे पास रखा है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स नाइस, बट आई थिंक इसके पार्टिकल्स थोड़े से चंकी है एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड आई शेडोज. स्विस ब्यूटी आई नो काफी लोगों को पसंद है, लेकिन इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा कभी कभी बड़े बड़े चंकी दिखते हैं ना, फिर मुझे पाउडर आई शेडो लेके उसको थोड़ा सा टेम डाउन करना पड़ता है. सो मेरा एक्सपीरियंस इज लाइक ओके विद दिस, अगर आपको चंकी बड़े पार्टिकल्स थोड़े से पसंद है वेडिंग लुक्स के लिए, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, बट थोड़ी सी नेचुरल डे टाइम मेकअप में ना ये मुझे थोड़ा सा लाउड लगता है. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट आइटम, जो कोने में छुपा हुआ था, मुझे लगा सारे आइटम खत्म हो गए, बट ये है लास्ट, निव्या का नेचुरली गुड डिओड्रेंट बायो ग्रीन टी. 95% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, 5% इसके अंदर एसेंशियल ऑयल है, नेचुरल स्किन फील. सो ये बेसिकली अंडर आर्म रोल ऑन है. मैंने काफी लोगों से सुना है कि इनके रोल ऑन अच्छे होते हैं, मैं इनका बहुत पहले वाला ट्राई किया हुआ जो मैं कॉलेज टाइम में निव्या का यूज करती थी, लेकिन अब ये न्यू वाला वेरियंट मैंने नहीं ट्राई किया है. अगर आपने यूज किया प्लीज मुझे बताना कि अंडर आर्म पे एक्चुअली वर्क करता है नहीं करता है, या फिर खाली खुशबू देके जाता है, बिकॉज मुझे भी थोड़ी बहुत डार्कनेस का इशू है. सो आई डेफिनेटली लेट यू नो. विद दिस माय नायका पिंक फ्राइडे सेल बॉक्स इज एम्प्टी, आप डेफिनेटली इनको अपने पिंक बॉक्स में, आई थिंक अब तो शुरू हो गई सेल, तो पिंक बॉक्स वाला ऑटोमेटिकली आपके सारे कार्ट में चला जाएगा जो भी आपने सामान ऐड किया होगा. सो डेफिनेटली आप अपने कार्ट में ऐड कर सकते हो. मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लस अगर आपने कुछ भी ट्राई किया तो प्लीज अपना एक शॉर्ट रिव्यू भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे अभी रिसीव हुए हैं, तो मैं तो प्रॉपर एक रिव्यू आपको नहीं दे सकती. जो मैंने पहले ट्राई किया हुआ है मैंने उनके शॉर्ट रिव्यूज आपको यहाँ पर दे दिए. बाय द वे अगर आप पूछोगे कि सेल रिकमेंडेशन भी बता दो कि आपको क्या पसंद है, मैंने कल वो इंस्टाग्राम पर किया है, सो प्लीज गो देयर. मैंने सारे एक हाईलाइट में सेव कर दिए, आपको मेरे प्रोफाइल पर भी दिख जाएगी, और अभी भी आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे ऑफर्स एंड ऑल शेयर करने वाली हूँ. जो भी आप Q&A में पूछोगे, लिपस्टिक, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, एक्ने स्किन केयर, मैं सब कुछ आपके साथ इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर करने वाली हूँ. और यूट्यूब के लिए मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी, मेकअप किट, ब्राइडल मेकअप किट सॉर्ट ऑफ एक वीडियो बनाई थी, इसका मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी थंबनेल. मैं लिंक भी उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज जाओ वो वीडियो देखो, बिकॉज उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा मेकअप उसके अंदर इंक्लूड किया है, जो भी ब्राइडल या फिर वेडिंग या पार्टी मेकअप के लिए चाहिए होता है, विद अफोर्डेबल ड्रग स्टोर बोथ ऑप्शन. तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसमें भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे. सो इसलिए मैंने रिकमेंडेशन वाली वीडियो नहीं करी, बिकॉज उसके अंदर मैंने सब कुछ ए टू जेड रिकमेंड कर रखा है. सो आई डू समथिंग अगेन, लेकिन इंस्टाग्राम पर डेफिनेटली हमारा Q&A सेशन चलता रहेगा. सो प्लीज गो देयर एंड फॉलो मी देयर. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज kashika.chauhan, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय, हैप्पी शॉपिंग.